इधर 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्षी दल भी एकजुट हो रहे हैं और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता का एक लिटमस टेस्ट होना है। देखें, पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली, इसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा गुरुवार रात तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला, ठाकरे परिवार वाली शिवसेना से प्रमुख उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, ये सभी 23 जून को पहुंचेंगे। इस दौरान जदयू राजद के नेता मेजबान की भूमिका में होंगे। पटना पहुंचते ही ममता बनर्जी राबड़ी के आवास पर पहुंची। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार समेत सभी दलों को पत्र लिखकर कहा था कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें, केंद्र एक अध्यादेश के तहत दिल्ली में शहर की नौकरशाही पर नियंत्रण उपराज्यपाल यानी एलजी के हाथों में दे चुका है और इसी अध्यादेश का विरोध करने के लिए आप सभी दलों का समर्थन चाहती है। तो चुनौती तब बन पाएंगे जब एकजुट हो पाएंगे, और ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट पहले ना हुए हो या प्रयास ना किया हो। 2019 से पहले कांग्रेस ने भी इसकी पहल की, लेकिन कुछ एक राज्यों को छोड़कर यह मुमकिन हो नहीं सका। जो बैठक होने वाली है विपक्ष की पटना में, इसके मायने क्या है, इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। बैठक में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होगा, हर गठबंधन का होता है। बातचीत का मुख्य एजेंडा यह हो सकता है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष अगर एक उम्मीदवार खड़ा करे तो उसका एजेंडा क्या हो। कुछ आंकड़ों के जरिए यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राज्यों में बीजेपी को रोक पाना विपक्षी दलों के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48, कुल मिलाकर 168, जिनमें 112 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं। और ये इन तीनों राज्यों में, फिलहाल दो राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें भी चलती दिख रही हैं। जाहिर है इन राज्यों में विपक्षी दलों को खास रणनीति पर उतरकर काम करना पड़ेगा, वरना 2024 का चुनाव कतई आसान नहीं होगा और बीजेपी एक बार पुनः परचम लहरा सकती है। इसके अलावा उनकी बात भी कर लें जो विपक्ष में तो हैं लेकिन एकजुट नहीं है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, इन सब से अलग अलग स्वर हम सुनते आए हैं। नवीन पटनायक ओडिशा में बीजेपी के खिलाफ दिखते हैं लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी का भी यही हाल, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को जरा भी वो रास नहीं आते और लगातार कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में विपक्ष एकजुट हो पाएगा, इसको ध्वस्त होते सपने को हमने कई बार देखा। पर अब ये जो प्रयास है इसमें क्या कांग्रेस साथ आती है और पूरी तरह पूरे पक्ष के साथ जुड़कर रह पाती है, ये देखना होगा।